इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने दावा किया है कि भाजपा में कोई फूट नहीं है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा आलाकमान जो तय करेगा वो सर्वमान्य होगा। पत्रिका संवाददाता अमर सिंह राव से खास बातचीत में डॉक्टर सतीश पूनिया ने यह साफ किया कि हम सबका एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना। आज हमारे साथ में है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी। पूनिया जी माउंट में आए हुए, 3 दिवसीय इनका भाजपा का कैंप है जिसमें ये अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर स्वागत है पहले आपका पत्रिका टीवी में। आपका भाजपा का टारगेट 2023 क्या है? भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 के लिए प्रतिबद्ध है। अपने केवल 2000, हम 2024 की भी योजना को साथ काम उस पर कर रहे हैं। 3 चीजें हैं जो सत्ता बदलती है। एक परसेप्शन, जनधारणा जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ है। दूसरा है जन आक्रोश, एंटी इनकमेंट, जो सामान्य तौर पर सरकार के खिलाफ होती है। खासतौर पर कांग्रेस के खिलाफ जो एंटी इनकमेंट जितनी प्रबल है, यदि इसको कंपैरिजन करें तो केंद्र की सरकार के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी है, कांग्रेस के खिलाफ यहां एंटी इनकम्बेंसी है। उसका कारण किसान कर्जा माफी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आए। उसका सीधा कारण है कि हम पार्टी के संगठन को 52,000 बूथ तक इतना सशक्त करेंगे कि पार्टी अपने आप में ताकत के आधार पर सत्ता में आए। पूरे तरीके से एक डेडिकेटेड प्लान है। पार्टी पूरे तरीके से 200 विधानसभा क्षेत्रों में को भी चिन्हित करेंगे जहां हमारी कमजोरियां रही। लोकसभा का 2019 का आंकड़ा है कि हम 18 में हारने के बाद 19 में 176 विधानसभा में लीड किया। कुल मिलाकर जो सारी जो इक्वेशन से जो वो सारी पार्टी के पक्ष में नजर आती, लेकिन हम इसको अपने खूबियों के आधार पर आना चाहते हैं। इसलिए उसी तरीके से पूरा पार्टी के आंदोलन, सामाजिक काम, पार्टी की संरचना सब पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। पार्टी ने अभी जो मुख्यमंत्री को लेकर के चेहरे को लेकर के अभी तक स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं रखी है, तो इस बार कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? मेरे ख्याल से मेरे से पहले पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, पार्टी के शीर्ष नेता जो जितनी बार दिल्ली से जयपुर आए, सबने एक स्वर में स्पष्ट ये कहा है कि मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम, कमल का निशान, ये राजस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत होगी। रही चेहरे की बात, इसकी कोई सेट फिनोमेना नहीं है। कई बार चेहरे प्रोजेक्ट किए जाते हैं, कई बार नहीं किए जाते। ये स्टेट के हिसाब से भी अलग अलग होता है, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी पार्टी में, पार्टी का आलाकमान है, पार्टी का संसदीय दल है। वो जब चाहेगा, जिसको चाहेगा, चाहेगा न चाहेगा, वो उन्हीं को तय करना। इसलिए हमारे यहाँ हमारा सबका एक लक्ष्य है, मुझे मिलाकर पार्टी के तमाम नेताओं का, कि 2023 में कांग्रेस सत्ता से बाहर और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आए। इसलिए हमारे यहाँ न तो बहस है न चर्चा है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। पार्टी जिसको चाहेगी उसको प्रोजेक्ट करेगी, जो तय करेगी उसका पालन हम सब लोग मिलकर करेंगे। प्रदेश में चर्चा है कि जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी है, वैसे भाजपा में भी गुटबाजी है। देखिए, कांग्रेस की गुटबाजी तो प्रमाणिक है। उनकी सरकार थी, उनके सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री के नारे लगे, और उसके बाद जो विग्रह हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, सचिन पायलट के साथ एक बड़ा ग्रुप दिनों तक अलग रहा, सरकार 42 दिन बाड़ेबंदी में रही, और अभी भी गाये बगाये जिस तरीके की चर्चा है, कुल मिलाकर कांग्रेस का जो फूट है, अंतर्कलह, अंतर्विरोध है, वो बिल्कुल सामने है। उसमें कांग्रेस के आलाकमान की भी कमजोरी है, कांग्रेस की यहां की सरकार की, संगठन की, दोनों की कमजोरियां हैं। मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान ये पार्टी की ताकत है, जिसका अनुसरण हम सब लोग करते हैं। पॉलिटिकल गॉसिप हो सकती है, सोशल मीडिया में चर्चा हो सकती है, मीडिया में हो सकती है, लेकिन पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री को लेकर किसी गुट की, किसी तरीके के समूह की, किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि हम आलाकमान का अनुसरण करेंगे, पार्टी के संसदीय बोर्ड के फैसले का सम्मान करेंगे। अभी अमित शाह जी जयपुर आए थे, वो कोई ऐसा गुरु मंत्र देके गए तो अभी आप उसका अनुसरण करेंगे? देखिए, वो लोग तो इतने कुशल प्रबंधक हैं, रणनीतिकार हैं, राजनेता हैं, कि उनका दिनचर्या से लेकर उनका जो काम करने का तरीका है, वो ही हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी जितना परिश्रम करते हैं, वो कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है।
अमित शाह जी जितनी दृढ़ता रखते हैं विचार के प्रति, वो हमारी प्रेरणा है। इसलिए किसी मंत्र गुरु मंत्र की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर है कि राजस्थान के प्रति उनका अनुराग है, उनका स्नेह है, वो समय समय पर टाइम देते हैं और कार्यक्रमों में आते हैं, उनसे हमें निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है। वो कल जो आए थे अनौपचारिक रूप से पार्टी के दफ्तर में, इसको भी, इस चरित्र को भी समझिए कि शासन की शासकीय बैठक के बावजूद भी उनका फोकस पार्टी के दफ्तर में आना, यानी संगठन को सर्वोपरि मानना, संगठन को सम्मान देना। कल का जो कार्यक्रम था वो अनौपचारिक था।